अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ सबा अली। शामिल करेंगे रोज हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान डील के कायल हैं ना ढील के। नैब ने अपना काम करना है, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने की मुखालफत, कहा ज़ाती तौर पर नाम तब्दील करने के हक में नहीं, नाम नहीं काम देखना चाहिए। हुक्मरान 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम का खात्मा वफाक के लिए अच्छा नहीं होगा। हुक्मरानों की सोच सिर्फ अमीरों को मजीद अमीर बनाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकारपुर में मीडिया से गुफ्तगू, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम तब्दीली को साजिश करार दे दिया। एहतसाब के हवाले से अपोजिशन की बहुत सी शिकायत जायज है, जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो हुकूमत शोर मचाती है कि नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखला चौधरी निसार की हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद, बोले हुकूमत की मुल्की मसाइल पर तवज्जो नहीं, मौजूदा हुकूमत ने कर्जों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वाकेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का सुहेल महमूद को नया सेक्रेटरी खारजा मुकर्रर करने का फैसला, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहमीना जंजुआ की 16 अप्रैल को मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, उनकी जगह सुहेल महमूद को नया सेक्रेटरी खारजा तैनात करने का फैसला किया है। सुहेल महमूद की तैनाती का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से किया गया। पाक भारत कशीदगी, आर्मी चीफ दिफाई कमेटी को ब्रीफ करेंगे। आर्मी चीफ की दावत पर कमेटी 4 अप्रैल को जीएचक्यू का दौरा करेगी। 21 रुकनी दिफाई कमेटी की सरबराही अमजद खान करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा कंट्रोल लाइन वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल से आगाह करेंगे। कमेटी अराकीन यादगार शहदा पर भी हाजिरी देगी। कमेटी में तमाम पार्लियामानी जमातों के अराकीन शामिल होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, रोज न्यूज से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।